होमगार्ड लाइन झाबुआ में बुधवार को होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा का 77वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर झाबुआ सुश्री तन्वी हुड्डा तथा विशेष अतिथि पुलिस अधीक्षक झाबुआ अगम जैन के आगमन पर परेड द्वारा उन्हें सलामी दी गई। परेड का नेतृत्व संतोष डंडीर प्लाटून कमांडर ने किया तथा परेड की 2IC सुश्री अपूर्वी पाल ASI थी। परेड में 4 प्लाटून सम्मिलित थे जिनमें 2 आर्म्स लाइंस तथा 1 होमगार्ड जवानों का अनआर्म्स प्लाटून एवं 4था सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स का प्लाटून था। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। श्री शांतिलाल जी तथा दूसरे प्लाटून की कमान सैनिक खतरे का सायरन बजा है। ये आम नागरिक जो उस इलाके में रह रहे हैं, ये सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स हैं, ये दौड़ के वहां पहुंच रहे हैं घटना स्थल पर। ये काफी, क्योंकि कोई भी घटना होती है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर उस पहले मददगार उस इलाके में रहने वाले व्यक्ति रहते हैं जो एक सिविल डिफेंस वॉलेंटियर के रूप में अगर वो प्रशिक्षित हैं तो देखें आप कितना उपयोगी रहता है ऐसी घटनाओं में, ऐसी आपदाओं के समय ये सिविल डिफेंस वॉलेंटियर पहुंच रहे हैं। और ये देखिए, ये 2 हैंड सीट बना करके घायल व्यक्ति को कैजुअल्टी कलेक्शन पॉइंट पर ले जा रहे हैं, वहां पर इसे फर्स्ट एड दिया जाएगा। 108 एम्बुलेंस को सूचना हो गई थी, वो भी घटनास्थल पर पहुंच रही है। घायलों को जल्दी से जल्दी अस्पताल के लिए फर्स्ट एड देने के बाद एम्बुलेंस के द्वारा घायल व्यक्तियों को वहां पर पहुंचाया जा रहा है, हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।